अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ड्रीम केक की रेसिपी। ये केक इंटरनेट पर काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो हम इसको आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप चॉकलेट लवर हो तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत काम की होगी और ये केक आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। इसको बनाने के लिए स्पेशल कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं होती, बस हम इसको पैन में बना सकते हैं। सबसे पहले हमें स्पॉन्ज तैयार करना होगा। स्पॉन्ज केक तैयार करने के लिए एक बाउल में मैंने अंडा ले लिया है, आधा कप शुगर ले ली है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाती। 1/4 कप ऑयल ले लेंगे, 1/4 कप दूध ले लेंगे। दूध को मैंने रूम टेम्परेचर पर ले लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप मैदा है, इसको भी अच्छे से छान लेंगे। टू टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, इन सब चीज़ों को भी अच्छे से छान लेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसके लम्स ख़त्म नहीं हो जाते। केक बनाने के लिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो बैटर हमारा तैयार है। यहाँ पर केक बनाने के लिए मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर बटर पेपर लगाकर उसको भी ग्रीस कर लेंगे। आप चाहो तो इसको ओवन में भी बना सकते हो या कोई मोल्ड में भी। अभी केक के बैटर को पैन में डाल लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। पैन को कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको 10 मिनट पका लेंगे। फिर फ्लेम को हमें लो करके इसको 15 से 20 मिनट पकाना है जब तक केक बेक नहीं हो जाता। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम पाउडर ले लिया है। व्हिपिंग क्रीम पाउडर के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आपने कितना मिल्क डाला है, तो उस हिसाब से मैंने कम डाला है, 1/2 कप मिल्क मैंने डाला है क्योंकि हमें थिक क्रीम चाहिए। अब क्रीम को हम अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक इसमें पीक्स नहीं आ जाते। क्रीम अच्छे से बीट हो गई है तो हम साइड में करते हैं। यहाँ पर मैंने चॉकलेट फंदी पाउडर ले लिया है चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। आप इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हो या डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हो। 1/2 कप चाको चिप्स ले लिया है, इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे क्योंकि हमें चॉकलेट को केक के ऊपर डालना है तो थोड़ा सा थिन चॉकलेट हमें चाहिए। यहाँ पर 2 टेबल स्पून में कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। 25 मिनट बाद हम केक को चेक कर लेंगे। टूथपिक से मैंने केक को चेक किया था, ये क्लियर निकला है, मतलब ये केक हमारा तैयार हो गया है। केक को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, इसका बटर पेपर अलग कर लेंगे। आप इस केक को कोई भी मोल्ड में या कोई भी बॉक्स में बना सकते हैं। अगर आपके पास स्टील का बॉक्स हो तो उसमें भी बना सकते हैं। अगर स्पेशल आपको ड्रीम केक जिस तरह बाहर मिलता है वैसे बनाना हो तो ड्रीम केक का जो टिन होता है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप उसको भी बाय कर सकते हो। बहुत सॉफ्ट सा केक हमारा बनके तैयार हो गया है बगैर ओवन और बगैर मोल्ड के। ड्रीम केक को मैंने इस बॉक्स में बनाना है तो इस हिसाब से मैंने स्पॉन्ज को कट कर लिया। स्पॉन्ज को हम अभी बॉक्स में रख लेंगे, ऊपर हम शुगर सिरप को डालेंगे। केक के नीट लेयर्स बनाने के लिए मैंने व्हिप क्रीम को एक पैपिंग बैग में डाला है, हम केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बेसिकली इस केक में 5 लेयर होते हैं, तो पहले हमने स्पॉन्ज केक रखा, फिर हमने जो क्रीम व्हिप करके रखी थी, अभी तीसरी लेयर में गनाश की डाल रही हूँ। गनाश की रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की क्योंकि गनाश मेरे पास पहले से था, इस वजह से मैंने नहीं बनाई। सिंपली आप फ्रेश क्रीम और चॉकलेट को मिक्स करके गनाश तैयार कर सकते हैं। गनाश को हम क्रीम के ऊपर इवनली स्प्रेड कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इस बॉक्स को फ्रिज में रख देंगे। अभी हमने जो चॉकलेट मेल्ट करके रखा था उसको हम गनाश के ऊपर डालेंगे और इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। लास्ट में मैंने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ले लिया था, इसको हम
चॉकलेट के ऊपर स्प्रेड करेंगे। ड्रीम केक को घर पर बनाना बहुत आसान है, एक तो मज़े का भी होता है और उसको बनाना भी बहुत आसान है, कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आपके पास घर में कोई चॉकलेट हो तो आप उस चॉकलेट से भी इसको बना सकते हो। ड्रीम केक हमारा बनके तैयार है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार ये केक होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।